नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। कबड्डी चयन के नाम पर बच्चों के भविष्य से किया जा रहा खिलवाड़, मेट की जगह कीचड़ में किया जा रहा है चयन, जान जोखिम में डालकर खेलने को मजबूर है खिलाड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हेतु चयन किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिला मुख्यालय पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद बच्चों की जान जोखिम में डालकर कीचड़ एवं फिसलन भरे ग्राउंड में कबड्डी खिलाई जा रही है, जिसे ग्राउंड में फिसलन एवं कीचड़ होने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का सही रूप से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम इस बात के साक्षी हैं कि हमें सामने ही कई बच्चे फिसल कर चोटिल हो चुके हैं। इस संबंध में जब बाहर से आई टीमों के कोचों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं तथा वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में जब खेल जिला प्रभारी धर्मेंद्र पवार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें शासन का निर्देश है तथा उनके द्वारा निर्धारित की गई तारीखों पर ही हमें यह प्रतियोगिता कराना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जल्दबाजी के चक्कर में एवं निर्धारित तिथि के अनुसार प्रतियोगिता कराने में बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। यदि कोई बच्चा गंभीर रूप से घायल होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस एवं इलाज की व्यवस्था खेल विभाग द्वारा की जा रही है। जिले में अगर ऐसी जान जोखिम में डालते हुए प्रतियोगिताएं कराई जाती है तो कुछ समय बाद सारे खेल लुप्त होने की कगार पर रहेंगे। ऐसी स्थिति रही तो कौन से परिजन अपने बच्चों को खेल के लिए आगे बढ़ने देंगे। वहीं बच्चों पुलिस और आर्मी की नौकरी पाने के लिए खेल में अपनी रुचि दिखाते हैं। यदि इस तरह जान जोखिम में डालकर बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं और शरीर के किसी भी अंग में फ्रैक्चर आ जाता है या विकलांगता आ जाती है तो फिर ऐसी भर्ती के लिए वे अक्षम हो जाएंगे और उनका खेल से जुड़े होने का कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा और इन सब बातों का जिम्मेदार खेल विभाग ही होगा। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। सर, एमएलबी में प्रतियोगिता चल रही थी, वो कबड्डी जिला स्तरीय 19 ईयर गर्ल्स बॉयज। सर, वो कीचड़ में करवाई जा रही है, बच्चे गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं। इसका कीचड़ में नहीं हो रही थी, मेट पर कबड्डी बारिश में नहीं खेली जाती है, बच्चों के बहुत ज्यादा पैर स्लिप होते हैं, उसमें इंजरी की संभावना होती है, इसलिए उसको मेट पे नहीं करवाया गया और मिट्टी में थोड़ी पकड़ होती है, इस कारण चट मैदान पे कबड्डी कराई है जिला स्तरीय। पैर स्लिप हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, चोटें आ रही हैं, चढ़ है ग्राउंड में पूरा। हाँ हाँ, तो अभी बारिश के कारण वो जो पहले तो मैदान हमारा सूखा था मगर बारिश होने के कारण जो उसमें कीचड़ हुआ है। देखिए, अब ये खेल है, खेल में तो चोटे आना संभव है। अब चोट से तात्पर्य तो ये नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और फर्स्ट एड की व्यवस्था होती है शासन के द्वारा। अगर कोई बच्चा अगर चोटिल हो जाता है तो हम लोगों के ही द्वारा एम्बुलेंस के द्वारा उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सर, मेट पे पिछले बार तो मेट पे करवाई गई थी, इस बार कीचड़ है, घास भी नहीं है वहां पर। नहीं, वो कीचड़ सिर्फ खेलने के कारण हुआ और कीचड़ का मेन कारण बारिश का होना होगा। क्या नाम है आपका? श्रीमती सुमित्रा पवार। किस पोस्ट पर? मैं खेलकूद शिक्षक श्रेणी ब पीटीआई। कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, कहाँ कहाँ से टीम आई? आमला, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, प्रभात पट्टन, मुलताई। पूरे जिले से? जी, जिला स्तरीय जी, 5 लाख की टीम। 5 लाख की जी। मैम, ये प्रतियोगिता जो होती है वैसे इसके नियम के हिसाब से तो ये मेट पे होनी चाहिए? सर, वो मेट पे होनी चाहिए परंतु जो व्यवस्था थी आज वो हमने यहाँ बोला तो यहाँ करा दी। मैम, खेल विभाग से बजट वगैरह भी आता होगा ना प्रतियोगिताओं के लिए? नहीं, बजट कोई नहीं आता सर।
जैसे पिछले साल पता चला कि आमला में हुई थी तो मैट पे हुई थी, इस बार बच्चों से कीचड़ में खिलवाया जा रहा है। सर वहाँ उनके स्कूल का था, पर ये वाला ये मैट और ये इसके संबंध में आप जिला खेल प्रभारी से बात करिए। सर क्या नाम है? मैं जी आर काप से घोड़ा डोंगरी का ब्लॉक प्रभारी। आपकी भी टीम आई है? मेरी टीम आई है। किस तरीके की प्रतियोगिता हो रही है अभी यहाँ? कबड्डी सिलेक्शन मैचेस हो रहे हैं, मौसम को देखते हुए मैच नहीं करा के सिलेक्शन ट्रायल ले रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था कुछ और होती है ना, कहाँ पर होते हैं ट्रायल में? व्यवस्था तो होनी चाहिए थी मैट पे, और हो सकता किसी कारणवश मैट अरेंज नहीं हुआ हो इनका। सर बच्चों को चोटें आ रही हैं, घायल हो रहे हैं बच्चे, तो इसका जवाबदार फिर कौन होगा? अगर किसी को कम ज़्यादा लग जाती है तो फिर? नहीं, जवाबदार तो है शिक्षा विभाग, लेकिन उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था है सर। नहीं तो आपके हिसाब से गलत हो रहा है या नहीं? सर कबड्डी खेल ही ऐसा है जिसमें चोट आती है। नहीं तो ये मिट्टी में हो रहा, कीचड़ में हो रहा है, कहीं और व्यवस्था? मैट अरेंज नहीं हुआ हो पाया सर, इसलिए इसमें करवाया है जैसा मेरे को बताया गया है। किसी को ज्यादा कम चोट लग जाती है तो फिर इसका जवाबदार किसको मानेंगे आप? जवाबदार तो शिक्षा विभाग ही होगा। ये जो सिलेक्शन किया जा रहा है, आप बता रहे कि सिलेक्शन के हिसाब से ये मैच किया जा रहा है? जी ट्रायल हो रहा है। तो इसमें कैसे आप सिलेक्शन करेंगे जबकि बच्चे गिर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं? नहीं नहीं, प्रतिभा दिख रही है सर, डिसिप्लिन जो दिख रही है, प्रतिभा दिख रही है, प्रतिभा दिख जाती है। प्रतियोगिता थी जो कि पोस्टपोन कर दी गई एक सप्ताह की, इसका मेरे को आइडिया नहीं है सर। आप मानते हैं ना गलत हो रहा है ये? हाँ मैट पे तो होना चाहिए था सर।